What is up, boys and girls? A Slay Point का vlog आज हम लोग reaction करने वाले हैं. I was not ready at all. और मुझे पता नहीं कि आप लोग में से कितने लोग शायद से trigger होंगे क्योंकि original intro नहीं किया. Like many people get offended. So वो risk ही नहीं लेना है. What's up, guys? Welcome back to our channel. Hope you guys are doing good. I wanted to see कि अपुन शायद से कुछ maybe दूसरा intro try करे क्या. पर सब लोग को पसंद है अपना इंट्रो. या बट वी माइट यू नो चेंज लिटिल बिट. नो मैडम ने नहीं बोला है तो नहीं होगा. चलो सो लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर गोना डू अ रिएक्शन ऑन स्ले पॉइंट्स व्लॉग जिसको आके टाइम हो गया और उसका नाम है गोइंग टू द रेनिएस्ट प्लेस ऑन अर्थ. एनीवेज, डू यू नो व्हाट इज द रेनिएस्ट प्लेस ऑन अर्थ? स्ले पॉइंट इज स्प्रेडिंग जनरल नॉलेज एज वेल, तो अपने को पता चलेगा. मेबी अमेज़न. अमेज़न आई थिंक इज द बिगेस्ट रेन फॉरेस्ट, इज नॉट द वेटेस्ट. या बट देन I might be completely wrong. Why? Like, is it Meghalaya? You have to Google it now. No, we are not googling क्योंकि अपने को. नहीं यार, अभी वो मेरे. They will tell us ना. Isn't that the video? Okay, so अपन देखते हैं video and as usual boys and girls, अगर आपने original video नहीं देखा रहेगा तो description में link है. We, as in me and my wifey, both request you to go and watch the original video on Slay Points channel. फिर आके reaction देखो. Okay, mm-hmm. Let's start. Let's start. Let's start. Let's start. Let's start. Hi guys. Hi. Hey guys. कच्चे के बाद पता नहीं क्या डालो क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं. YouTube ने व्लॉग स्पॉन्सर किया है पर उन्होंने अभी तक डेस्टिनेशन रिवील नहीं किया. बस इतना पता है कि अर्थ डे आने वाला है और वो हमें ऐसी जगह भेजने वाले हैं जहाँ धरती की सुंदरता भर भर के दिखेगी उनके कैंपेन के थ्रू जिसका नाम है रेयर प्लैनेट. ये भी डाल ही देता हूँ यार, पता नहीं होगा कि हम गुवाहाटी जा रहे हैं पर वहाँ से कार से लेके जाएंगे हमें फाइनल डेस्टिनेशन. ओ चलो अब थैंक गॉड. अब जगह कोई भी हो सुबह तो सुकून ही होगी. लग रहा है कुछ इम्पोर्टेंट रह गए. भुजिया ले जाना तो रह ही गया. और इंस्टाग्राम पे वॉन्डर लस्ट वाला कूल भी तो बनना है. ओके मम्मी मैं निकलता हूँ. कहाँ निकल रहे हो? फाइनल तो पता नहीं पर गोवा. फाइनल नहीं पता तो परमिशन कैसे दे दूं मैं? हाँ वहाँ गुवाहाटी बोल के गोवा चले गए तो. अरे यूट्यूब थोड़ी ना मेरा जो गोवा भेज देगा अर्थ डे पे. शर्म नहीं आती सुबह सुबह आना हुआ. शर्म नहीं आती, भूख आती है सुबह सुबह. मम्मी के यहाँ आ गए थे इसलिए नहीं कि मैं जा रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ गया. सुबह 11 बजे से पहले एक बार मैं नहा धो के उनको चलता फिरता दिख गया भाई. वेरी रेयर सीन. हेलो. कर सकते हैं ना कम, थोड़ा मैसेज देना होता है यार. वेक अप अर्ली. 11 o'clock इज अर्ली मैसेज. क्या आदमी है. गौतमी गऊ जा रही है. गऊ विंडो सीट मेरे से पहले लेना चाहता है इंसान, इसलिए भाग रहा. क्या फायदा हुआ. एपिक फेल मोमेंट अगेन. अरे बाहर देख तो हमें कोई लेने आया क्या? देखना कोई कार्ड है क्या जिस पे लिखा हो दो चोमूस. और गालिया. हां हम ही हैं. लैंड आसाम में हुए थे गुवाहाटी में और अब हम मेघालय में जाने की एंट्री कर रहे हैं. यार अब तो बता दो हम जा कहाँ रहे हैं यार. हाथ पैर बांध के कहीं फेंक तो नहीं दो. आई थिंक इट्स या इस मेघालय. वापस मुंबई ले आए क्या? इतना पानी और आसपास कोई बेरोजगार कपल्स नहीं. मुंबई तो नहीं हो सकता. 100% यस. पहुंच गए. आई थिंक ये जो भी मुंबई में रह रहे सब लोग को ये पता चल गया रहेगा. हम लोग यहाँ पे जो भी सी फेस है जहाँ पे भी लाइक फेसिंग योर सी फेसिंग है बेसिकली वहाँ पे सब कपल्स बैठे रहते हैं. मैं और अक्षता भी वहाँ पे जाते थे काफी टाइम. वी यूज्ड टू सिट मेरे बाइक के ऊपर बैठे थे जस्ट एंजॉय द मुंबई सिटी. क्या बोलते हैं स्काईलाइन. स्काईलाइन रिक्लेमेशन. बैंड्रा रिक्लेमेशन बेस्ट प्लेस आई वुड से. शिलोंग था डेस्टिनेशन गाइस. बहुत मजा आया. ओह यहाँ से रेस्ट करना अभी आगे और जाना. ओह सो आई एम रॉन्ग. तो मोमो खा रहे हैं. थैली भर के मोमोज खा रहे हैं. चाउमीन खा रहे हैं. कह रहे अर्थ डे है फूस डे नहीं. पॉइंट इन सेंटर पॉइंट. ये आ गया मैं बाथरूम का उद्घाटन करने. रिबन कटिंग सेरेमनी उद्घाटन शुभारंभ. वेरी नाइस. सोच
चल रोड साइन देख लूं, आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा। हम पहुंच चुके हैं। चेक कर ये फाइनल डेस्टिनेशन चेरापुंजी। कहाँ सुना था चेरापुंजी? अरे चेरापुंजी राइट, स्कूल में चेरापुंजी बताते थे। आई डोंट नो व्हाई आई सेड उई मा, गलती से निकल गया। लेट मी लाइक ओ गॉड, उई मा वाला ही सीन जाने वाला है। वो दैट उई मा वाज लाइक अ फनी उई मा जो अपना सलमान खान बोलता है। Don't try to cover it. कौन से मूवी में बोलता है? अंदाज़ अपना। उई माँ, वैसा वो वाला था। बचपन में उसके बारे में एक फैक्ट था, वो हर क्विज में पूछते थे बेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, चेरापुंजी। यस, और दुनिया के वेटेस्ट प्लेस के लिए हम रेनकोट छाता छोड़ के भुजिया पैक करके आए। यार, जब मन होगा ना तब याद करेगा। छाता का ज्यादा मन हो रहा है यहाँ पे, हम लिटरली बादल में है गाइस, मेघालय। Wow. बादलों की ऊंचाइयों को फाइनली हमने छू दिया है। थोड़ा बादल खा लेते हैं। We've all done this, right? We've all done this. Guys, ये है waterfall view room, जहाँ से अभी कुछ waterfall नहीं दिख रहा है। दो wash basin है for couples. दर्द है दिल। दो basin. इन केस यहाँ पानी बरसात की कमी थी तो यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है। ये नहीं लगा कि गलती से रेनकोट रख ले, भुजिया याद रहता है भाई। वाटरफॉल किधर है? वाटरफॉल नीचे नीचे जाते जाना है, कभी ना कभी मिल जाएगा। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। मैं गाइड बहुत आगे पहुंच गए। उनको जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस है हमारे ट्रैकिंग स्किल्स पे, उनको पता नहीं हम कतई नूब आ रखे हैं यार। रास्ते की बाधाओं को पार करते हुए गौतमी जी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हुए। मोटिवेशनल के बीच में गैप क्यों दिया? मैन वर्सेस वाइल्ड सीजन फिनाले। मम्मी, ये सब का मतलब है 10-15 बार फॉल करो तब जाके आप वाटरफॉल देखने के लायक बनोगे। करो अभी बेयर ग्रिल्स वाला नाटक करो, मनाली में बहुत कर रहे थे ना। मेरा ऐसे ही होता है। बस ये क्या तरीका होता है, ये क्या तरीका होता है? अरे सर क्या हो रहा है? ये बेस्ट तरीका, इसे कहते हैं डर। क्या कैमोफ्लेज हो रहा हूँ भाई, क्या मैं दिख रहा हूँ जंगल में? बहुत अच्छे से दिख रहा है, आउट ऑफ प्लेस। आई लाइक दैट कलर। मम्मी ने सारे भजन इसी मोमेंट के लिए सिखाए थे। पहुंच गई, जिंदा पहुंच गई। ओह माय गॉड, नेचर की ब्यूटी देखने आई थी, तब से सिर्फ अभी मुझे की ब्यूटी दिख रही है मुझे। वाह वाह वाह, क्या डायलॉग था। आगे के लिए बताइए। ओह माय गॉड, व्हाट अ ट्रैक यार, ब्यूटीफुल। जल्दी उतर, दो सांडो के लिए नहीं बनी है सीढ़ी। अब ये जगह दिखनी तो ऐसे चाहिए थी, ऐसे दिख रही है। God damn. हमने सोचा तो ऑरेंज ब्लू देखेंगे, पर ब्राउन भी अच्छा ही है भाई। वर्थ इट तो था इतना नीचे। वाओ, क्या फोर्स है यार। धुआं भाई, ये होता है धुआं। इसे धुआं नहीं, मिस्ट कहते हैं, बट अब इसको नहीं पता इसलिए हम। तू गाइड नहीं है, वो गाइड है, ठीक है? तू नॉलेज मत बांट। लाइफ में इतना पास से वॉटरफॉल तो कभी नहीं देखा। थोड़ी सुंदरता अपने मुंह पे भी लगा लूं भाई। अब ये भी सुंदर हो जाएगा। वुमन वर्सेस वाइल्ड की विजेता सुंदरता से अब मनुष्यत के साथ रहना पड़ेगा। वुमन वर्सेस वाइल्ड लिफ्ट, मैं आज से कभी आपको हल्के पे नहीं लूंगा। ऐसे ट्रैक पे ऐसी बेइज्जती होती है जब कोई बुड्ढे से अंकल आपके साइड से भाग के चले जाए और आप यहाँ रुके हुए हो हाफते हुए। भाई इतनी मस्त जगह एकदम हिडन है। अच्छा ये छुपा के रखो, वरना इतने अच्छे पानी में गुटखा चिप्स के पैकेट तैर रहे हैं। इसलिए बनाया कि बेकार लोग तो जा ही ना पाए।
छोड़ के कहाँ चले जाएगी, दिखेगा भी नहीं भाई। जाना कहाँ है? गाइस यहाँ होटल ही नहीं दिख रहा, रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया हमारे साथ और अब सीधा स्वर्ग आ गए और हमें रियलाइज नहीं हो रहा है। जी में ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग में हैं। कर्म तो मैंने स्वर्ग वाले किए हैं, सो इट्स क्वाइट बिलीव। फिर तो नहीं होंगे, फिर हम मेघालय में ही। ये है सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल जिसने लॉकडाउन के बाद दो चार और सिस्टर पैदा कर दी है। गाइस यहाँ किसी का भी नेटवर्क नहीं आता सिवाय एक स्पॉट के। यहाँ पहले आधा घंटा यहाँ बीतता था, अब आधा दिन बीतेगा। जबरदस्ती मोमो की लाल चटनी खाऊंगा और फिर निकालते बैठूंगा यहाँ। दिन की इतनी बारिश देख के हमने खुद के छाते खरीदे मस्त नेचर थीम वाले, और अगले दिन नो बारिश धूप। सब कुछ दिखाई दे रहा है गाइस, चीजें दिख रही हैं। मुझे सब दिख रहा है माँ, मुझे सब दिख रहा है। गाइस हम एक ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ पहुँचने के लिए हमें लेने हैं 3500 स्टेप्स। वन वे वापस आने के लिए सेम 3500 स्टेप्स, मतलब ऐसे स्टेयर्स है स्टेयर्स। 3500 इतने पैसे जेब में नहीं है अभी। 1, 2, 3, 4, 5, 120 भाई 50 भी नहीं है। जाने के लिए तो अच्छा है लेकिन आने के लिए तो बहुत खराब। जब मैं सुना कि आप लोग रूट ब्रिज कर रहे हैं तो मैं भी सोचा जाऊं कि ना जाऊं। गाइड ही ऐसा बोल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस गिर गया मेरा। वहाँ जाना है वो विलेज है। हेलीकॉप्टर नहीं जाती। और ये रास्ता वहाँ कैसे जाता है? अभी नीचे जाएंगे हम, फिर रिवर क्रॉसिंग दो ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, फिर आने वाले लोग दो लाशें भी क्रॉस करेंगे। इमेजिन क्लाइंबिंग अप, नहीं था ना, नीचे उतरना भी थका सकता है। ये लड़का बहुत ही मेहनत करता है। इस वीडियो को भागल कर दो। पहुंचे क्या? नहीं भाई आधा भी नहीं हुआ है। किसके घर के सामने लेट गए? यहाँ कोई भी सुंदरता फ्री में नहीं मिलती, कमानी पड़ती है, हर एक व्यू कमाना पड़ता है। हमारी वीडियोस में टोन देख देख के उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। थैंक्स गाइस फॉर टेकिंग केयर ऑफ अस बाय फैट शेमिंग। इतना तेरे जैकेट से निकला है पसीना। हाँ लाइफ में इतनी मेहनत किसी वीडियो के लिए नहीं की, तो थोड़ा सा व्यूज। ओह शिट, अरे मत कर, डरा। वेरी नाइस यार, ब्यूटीफुल। प्लीज अब से oh my God. प्रवचन देखूंगा, देख के डर लग रहा है। हिल रहा है ब्रिज यार। क्या स्टेबल है ये? स्टेबल है। चल 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 चल। जितना भी डर लगे लेकिन बहुत सुंदर है पानी, प्योर ब्लू कलर का, इतना साफ। हाँ बहुत बहुत सुंदर है गाइस। बेस्ट व्लॉग गाइस। क्या व्यू, क्या वाटर, वाह। तो फाइनली 3 घंटे के ट्रैक को भाई 2 घंटे में खत्म करके हम पहुंच चुके हैं 3000 स्टेप्स के बाद। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, यहाँ सुंदर वाटरफॉल और यहाँ ब्रिज। सुकून है ये देखिए, इतना सुकून। एक रूट ब्रिज आपको बहुत जगह मिल जाएगा बट दो रूट ब्रिज ये है यहाँ की स्पेशलिटी। पेड़ की जड़ों से बना है, बहुत बड़ा सा रबर ट्री है और ये जो रूट ब्रिजेस है उसके सेकेंडरी रूट से बनते हैं, मतलब अबव द ग्राउंड इसके और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रूट्स निकलते हैं जो रूट बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उसको वो लोग एक दूसरे में ऐसे पूरा इंटरट्वाइन करके एक रूट ब्रिज बनाते हैं जो इतना ज्यादा स्ट्रांग है भाई। वहाँ सारे ब्रिज ऐसे हिलते हैं, अब इसको हिला के दिखाना। थक दिया, शैम्पू एड में बोलते रहते जड़ से मजबूत, भाई ये होता है असली जड़ से मजबूत। ये ब्रिज समय के साथ और बेटर होता है, अनलाइक आरसीबी परफॉर्मेंस। आरसीबी को क्यों तोड़ा? लिविंग रूट ब्रिज है ना, लिविंग है ना ये, तो उस पे पैर कैसे रख सकती है तू, चल कैसे सकती है? बेचारे को हर्ट हुआ होगा ना। सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी सॉरी। नन्हे आशिक यहाँ पहुँच ही नहीं पाए, कहीं भी दिनेश, लव, सुप्रिया ये सब लिखा ही नहीं है एक जगह पे भी नहीं। इतना मुश्किल ट्रैक बनाओ कोई आशिक नहीं आएंगे। इतना देर नीचे आते आते ही बीच में उनका ब्रेकअप हो जाएगा। आंखों ने इतनी सुंदरता कभी देखी नहीं, जबकि मिरर में मैं खुद को रोज देखता हूँ। चेरापुंजी की सब बारिश की ही बातें करते हैं, इन यूनिक सुंदर जगहों के बारे में कौन बताएगा। This is the slave point touch, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं। नंगे लोग भाई व्लॉग किधर करें? But अब
3500 स्टेप्स हमें ऊपर चढ़ के जाना है, जिसके लिए गौतमी को अपने बाल खा के आएगी। ये बुढ़िया की लाठी भी आ चुकी है गाइस, नेक्स्ट इसके दांत वांत भी गिरने वाले हैं। ये समस्या है, ये वापस ऊपर चढ़ना है। कितना, अरे ओ माय गॉड, तो देखा भी नहीं जा रहा, मैं देख के फट रही है। उस ग्रीन घर से हम यहाँ तक पहुँच गए। 70 मिनट से ऊपर चढ़ रहे हैं, कैन यू इमेजिन 70 मिनट स्टेयर्स चढ़ना। ओ माय गॉड, और अभी बस आधा हुआ है। जान नहीं है क्या, मर गया है, अरे एक जिंदा लाश है क्या? ये भी काम नहीं कर रहा, बस बड़ी उम्र में मर्दों को होती है समस्या। हैरी पॉटर मैजिक ब्रूम, गलत जगह लग जाएगी कुछ और उड़ जाएगा। चलो मेरे भी पैर कांप रहे, सच्ची बोल रही हूँ। 2.5 hours के बाद फाइनली पहुंच गए, पता नहीं कहाँ पहुंचे, स्वर्ग पहुंच गए। कभी अपने बिल्डिंग में सीढ़ी ली है? फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक मैक्स। ये तो हमने बुर्ज खलीफा क्लाइम कर लिया होगा ना इतने देर में। पक्का मेरा शर्ट निकाल के निचोड़ोगे ना, यहाँ एक नया वाटरफॉल बन जाएगा। और मैं चक्कर आके फॉल होने वाली हूँ अभी। पैरों को ऐसे ऐसे चलने की आदत हो गई है, वो नींद में भी ऐसे ऐसे ही चलते रहेंगे। आज ब्रेकफास्ट बफे में क्या लेंगे सर? ओह माय गॉड, ये भगवान, मैंने इतना बड़ा मकड़ा लाइफ में नहीं देखा। ये क्या कर रहा है मेरे कमरे में? कोई बचाओ, हेल्प, मैं लिटरली रूम बदल रहा हूँ भाई, मुझे किसी के साथ नहीं रहना। यहाँ पूरा दिन ऐसा मौसम रहता है, ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? चाय पकौड़े। Did you get goosebumps? देखते एक और बार। Yuck! I hate spiders. मेरे को स्पाइडर से कुछ नहीं है, but butterflies नहीं, that is like my phobia. Help! मैं literally room बदल रहा हूँ भाई। मुझे किसी के साथ नहीं रहना। यहाँ पूरा दिन ऐसा मौसम रहता है कि हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? चाय पकोड़े। लंच में क्या खाएंगे? चाय पकोड़े। डिनर में क्या खाएंगे? चाय और पकोड़े। The art. The artist. रोज 6-6 बजे उठने से यही ओ तोड़ दिया। कल के बाद आज उतरा ही नहीं जा रहा है। सीढ़ियों का फोबिया हो गया गाइस। तो गाइस अभी हमें उंगोट रिवर में, जो दिखनी तो ऐसे चाहिए थी, वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर्स इन इंडिया, जो ट्रांसपेरेंट वाटर के लिए फेमस है, बट अभी दिख ऐसे रही है। बेसिकली दिख नहीं रही है, वो दो दिन पहले की बारिश ने पूरा ही काट दिया। और अब हमें आदत सी हो गई है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे साथ यही सब होता रहता है। वही तो नेचर की ब्यूटी है, इट्स अनप्रेडिक्टेबल। वाओ, क्लियर वाटर, पत्थर दिखा गए, पत्थर अंदर के पत्थर दिख गए, क्लियर वाटर। अभी जरा क्लियर नहीं है भैया, क्लियर हो जा, क्लियर हो जा। बस यही है किस्मत। Ooh, so pretty. हम बिना लाइफ जैकेट के बोट पे बैठे हैं और वहाँ कोई डूबे डूबे बजा रहा है। दूसरा वाला बजेगा। कौन सा? डूबा डूबा रहता हूँ यादों में। यार ये बहुत wow guys. Wow. कितना सुंदर, दोनों साइड पहाड़ और बीच में ये रिवर, तो ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया जैसे हम करते थे। पनौती हम हैं, तो बेचारे जो भी हमारे डे पे ट्रैवल कर रहे हैं उन सब का कट गया। 100-200 लोगों का तो कर दिया कम से कम नुकसान। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही होने लगेगा, अरे यार स्ले पॉइंट वाले आए हैं, शिट आज तो बेकार जाएगा। ऐसा पानी मिल जाए तो मैं रोज नहाऊं। एक दो घंटे में क्लियर हो जाएगा क्या पानी? ना कब होगा? दिसंबर, दिसंबर हो गया, आ गया मजा, अब यही रुको दिसंबर तक। चारों तरफ वाटरफॉल, बोट राइड और ये रिवर, सब एक साथ एक्सपीरियंस कर लिया। न्यू बोट ड्राइवर गाइस, चला के तो दिखा, थोड़ा तो आगे हिलनी चाहिए। ए मेरे पे पानी क्यों उड़ा है, ऐसे थोड़ी बोट चलाते हैं। अरे तू गलत डायरेक्शन में, अरे गाइस अभी हम इंडिया बांग्लादेश
बांग्लादेश बॉर्डर पे ये है इंडिया का लास्ट पॉइंट। यहाँ लिखा है वेलकम टू इंडिया और यहाँ लिखा है वेलकम टू बांग्लादेश। तो हम अभी कहाँ खड़े हैं? बीचों बीच भाई कहीं के नहीं है। अब मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली, अब मेरा शकीब अल हसन। एक और कंट्री कवर गाइस, मल्टी नेशनल इंटरनेशनल ब्लॉग। देखो मेरी उंगली बांग्लादेश में है गाइस। देखना अलग फीलिंग आ रही है बांग्लादेश में। ओरियो फ्राइड पीस ORIO खोना अभी तक बंद नहीं हुआ। जगह जगह बार बार रुकने का मन करता है। ऐसा लग रहा है तू नहा रही है। आरसीबी जीत रही है तो चिल्ला। Yes. मैच देखने के लिए नेटवर्क की तलाश में, क्योंकि टॉयलेट वाला भी नो सर्विस हो गया। देना थोड़ा, भूख लग रही है यार। चले हंस रहा था ना, नो भुजिया फॉर यू। तो मैं क्या खाऊं यार? ओह क्यों खरीद लिया? माय गॉड, मेरी किस्मत भी नहीं चाहती कि मैं ये खाऊं। मिशन इम्पॉसिबल। ये इतनी मेहनत करने लायक तो नहीं था ये। झूला है यहाँ पे और सामने खाई। भाई यहाँ से झूलते झूलते उड़े ना सीधा बांग्लादेश में गिरोगे। धीरे कर धीरे कर। हमारे पिछवाड़ों के लिए बहुत छोटा है गाइस। ऑल्सो गाइस, यही मेघालय में पड़ोस के गांव में थोड़ी ज्यादा बारिश गिर गई थी, तो वो अब वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ बन चुका है। चेरापुंजी अब नहीं है। चेरापुंजी में जो वेटेस्ट प्लेस का बोर्ड लगा था वही उखाड़ के उधर डाली। हमें फोटो खिंचानी थी भाई उस बोर्ड से। हम बोर्ड ढूंढ रहे, बोलते नहीं अब तो नहीं है वेटेस्ट प्लेस, मोहसिन राम हो गया है मेघालय में ही। यहाँ ना नेटवर्क मिलेगा। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ आओ और बस नेचर और मेघ में खो जाओ। ओहो क्या कर रहा है? पूल वाली बॉडी होती तो यहाँ नंगा लेटा होता। सो ये था चेरापुंजी गाइस, थैंक्स टू YouTube ये सब अरेंज करने के लिए, और ताकि हम अपने प्लेनेट को बेटर मेंटेन कर सके। YouTube सपोर्ट कर रहा है बालीपाड़ा फाउंडेशन, जो लिविंग रूट ब्रिजेस जैसे इकोसिस्टम्स को बेटर सस्टेन करने में हेल्प करता है। और आप भी इस इनिशिएटिव में जुड़ सकते हो बाय डोनेटिंग एज लिटिल एज $5, विच इज अराउंड 300-400 रुपए, और इससे आप मदद कर सकते हो एक ट्री प्लांट करने में। ड्यू टू लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बहुत कटिंग हो रहा है यहाँ पे, फैक्ट्रीज आ रहा है धीरे धीरे, सीमेंट फैक्ट्री या कोल बहुत सारे ट्रीज को कटने भी पड़ रहा है। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितने ट्रीज प्लांट करने में हेल्प करोगे। एंड फ्रॉम मेघालय, लिटरली मेघों के बीच में। वील सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय। नींद भरी आंखें छुपा ली सनग्लास। 6-6 बजे रोज उठना नहीं हो पा रहा ना। मम्मी पापा इतने खुश है ना, उनसे पहले हमारा गुड मॉर्निंग मैसेज जा रहा है गुड पे भाई। वो तो कह रहे हैं कि वही रह जाओ, एटलीस्ट तुम लोग डिसिप्लिन हो। मैंने नाश्ते का वीडियो भेजा, मम्मी ये कह रही है। इतना सच भी नहीं तो बोला था। जाते जाते सोचा लास्ट टाइम नेचर देख लो, पर कुछ लोगों के अलग ही प्रायोरिटीज है। बाय बाय बाय। वापस जाते हुए गुवाहाटी तक गाड़ी से नहीं जाना, हम शिलोंग से ही फ्लाइट ले रहे हैं। अभी जल्दी स्कोर बता, फ्री में मैच देखने मिल रहा है। पोल्यूशन। बैक टू नॉर्मल। कीड़े को मार रहा था, खुद को नोच दिया। कीड़ा रहा था वो। A very fun vlog, और मेरे को तो absolutely I love like ऐसा नेचर का, but sadly ना मेरे को इंडिया में I haven't been to places like a lot. मैं I think इंडिया से ज़्यादा मैं बाहर ही घुमाऊँ, and I think the reason is कि इंडिया में ना मेरा जो एक पर्सनल प्रॉब्लम है तो मेरे को ना कार का ट्रेवल I don't like it at all, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कार में ना I cannot sit, मेरे को ड्राइव करना है. Okay, I am not the person who can just sit इन अ बस और इन अ कार. मेरा दिमाग क्या सर दुखने लगता है मेरा. आई नीड टू ड्राइव. और मेरी तो लॉन्ग डिस्टेंस की कुछ और ही प्रॉब्लम है. अक्षदा को उल्टी आती है. दैट इज ऑल्सो द रीजन टेरेबल मोशन सिकनेस. कि हम लोग एक्चुअली हम लोग का प्लान था लेह लद्दाख जाने का. सो ओनली ऑप्शंस आर कार एंड बाइक. बाइक से तो पहले मेरे को परमिशन नहीं थी. कार हाँ बोले, बट देन कार से अक्षदा का बाद में वही इश्यू था कि अक्षदा कैन नॉट, मतलब गोवा से मुंबई आते वक्त अक्षदा ने इतनी उल्टी की है रोड पे, इतनी उल्टी की है कि ले लद्दाख तो कार में पॉसिबल ही नहीं है. बाइक पे समा उसको उल्टी वगैरह कुछ होती नहीं है, क्योंकि आई थिंक बिकॉज़ ऑफ मोशन. इवन इफ आई एम ड्राइविंग मुझे नहीं होता है, बट इफ आई एम लाइक सिटिंग एंड स्पेशली इफ आई एम सिटिंग इन द बैक सीट तब तो होना ही है.
गोवा से आते वक्त यू आर इन द फ्रंट. आई नो बट बैक सीट पे तो फुल टू गारंटी है, फ्रंट सीट पे तो फिर भी चांस ले सकते हैं. चलो एनीवेज दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स एक्चुअली लाइक अ हिडन जेम. बट एक चीज है कि इंडिया में ना जो लोग लाइक कोई भी प्लेस पे जाते हैं नेचर वाले तो पूरी वाट लगा के रख देते हो प्लेस की. चलो एनीवेज आई थिंक यूट्यूब ने बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है विद द अर्थ डे, क्योंकि आई फील इंडिया में भी इफ ये देख के थोड़ा टूरिज्म बढ़ जाए और वहां पे जाने के मींस और लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी करना चाहिए, इन एमिनिटीज लाइक वॉशरूम फॉर विमेन, दैट इज लाइक अ वेरी बिग बिग थिंग जो विच हैज टू इम्प्रूव इंडिया में ड्यूरिंग ट्रेवल. I think that is the number one thing that has to improve. Even in cities, I feel, you know, on the main highways, they are, it's like so difficult to find washrooms. So like in all these remote places, to matlab aur bhi zyada difficult hoga. Chalo, anyways, I hope this makes a change. And Slay Point ka vlog to badhiya tha hi with a hint and touch of Slay Point. Mm-hmm. It was fun. So yeah, ladies and gents, boys and girls. Thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like and we'll see you guys in the next one.